श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम जहां हैं वहां से वैसा दिखता है, और दूसरा क्या देख रहा है ये हमको कोई समझाने का प्रयत्न करेगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक सज्जन हमको अपने घर ले गए अंधेरी में बंबई में, और वहां उन दिनों में नई नई बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई थी, कोई 20-22 मंजिल बिल्डिंग। तो वो उस बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए थे, हमको कहा कि स्वामी जी आप ऊपर से देखो इतना सुंदर दृश्य दिखता है। तो मैं भी बेवकूफ के जैसा ऊपर चला गया, और ऊपर से जाने के बाद फोन था, फिर कहते स्वामी जी कैसे दिख रहा है। तो मैंने कहा देखो आदमी लोग जो है वो चींटी के जैसे दिख रहे हैं। तो उसने कहा अरे बाप रे अच्छा हो गया मैं वहां नहीं गया, मुझे तो आदमी आदमी के जैसा दिखना चाहिए। अब मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, इसीलिए शास्त्रों का अर्थ जब हम तात्पर्य निर्णय से निकालेंगे तभी उसका अर्थ निकलता है, अन्यथा अनर्थ होता है। इसीलिए अपने दृष्टि को समझना है। तो हमने कल चार दृष्टियां देखी थी, एक सापेक्षता की दृष्टि मैं तू तू वाली, दूसरी भक्त की दृष्टि, भक्त भगवान के सामने समर्पित हो गया तो उसका मैं उतनी मात्रा में कम हो गया, फिर भगवान की दृष्टि, भगवान की दृष्टि से नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, और यह जीव जगत ईश्वर जिस एक तत्व पर अध्यारोपित किया है उस तत्व में आप स्थित हो जाओ जिसको तुरियातीत कहते हैं, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी। ये चार स्थितियों से गुजरना उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधन। देखो महाराज, तो पहली स्थिति जब तक हम इस जगत को सत्य मानेंगे तब तक के धर्म में फंसे रहो, देह को सत्य मानेंगे तो योगा करते रहो, भगवान को अपने से अन्य मान करके अपनी इच्छा को पूरा करने का एक और साधन भगवान की उपासना, तो आप उसमें फंसे रहो, और थोड़ा चिंतन करने लग जाओ तब पता चलेगा ये सब उसी के लिए है जिनके दृष्टि में दोष आ गया है। और सबसे बढ़िया उदाहरण शास्त्रों में आता है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जगत यदि हम इस दृष्टि से अभ्यास करें, देखो अभ्यास किसका, ये हमने बहुत अभ्यास किया इसलिए आपको बता रहे, अभ्यास ये है कि दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। अरे इतना सिंपल अभ्यास, रोज हम यही करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं। आप दर्पण के सामने खड़े होने के पश्चात आप थोड़ा चिंतन शुरू करो, आप दर्पण के सामने 5 फीट की दूरी पर खड़े रहो तो दर्पण के अंदर में आपका प्रतिबिंब 5 फीट गहराई में दिखेगा, और दर्पण की मोटाई कितनी है, 1 mm, 0.1 mm। तो ये गहराई कहां से आई, तो ये प्रतीति है। यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर के एक गिलास पानी ऐसा डालो तो पानी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा, तो उस प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता,
फिर उसी दर्पण के सामने खड़े होकर के हाथ में एक बीड़ी लेकर के माचिस लेकर के जलाने के लिए अग्नि जलाओ, तो अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण नहीं जलता। देखो तो ये सब क्या है, पंचमहाभूत उसमें दिखने वाले जितने भी प्रतिबिंबित पदार्थ है, जड़ चेतन, ये सब क्या है? ध्यान से सुनना, ये सब वही दर्पण बन गया। मानो वह दर्पण ही पंचमहाभूत बना, वह दर्पण ही गति बना, वह दर्पण ही स्थिति बना, वह दर्पण ही सब कुछ बना, और सब कुछ बनने के कारण दर्पण पर किसी का प्रभाव नहीं। जैसे पानी ही समुद्र बना, पानी ही लहर बना, पानी ही बर्फ बना, इसीलिए समुद्र का, लहर का, बर्फ का प्रभाव पानी पर नहीं होता। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कश्यो कहा एकत्व अनुपश्यता। जब ये बात गले उतरती है कि सब कुछ मैं से ही प्रारंभ होता है, यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा गुरु नहीं, मैं नहीं तो मेरा चेला नहीं, मैं नहीं तो मेरा इष्ट नहीं, सबका आधार ये मैं है। वेदैश्च सर्वी अहम एव विद्या, इस मैं को पहचानना है, इस मैं में निष्ठा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं। देखो महाराज तो कहते हैं, यस्तु तस्याम अवस्थायाम स्थितिम प्राप्य अविनाशिनीम आनंद एकांत शीलत्वात् अनानंद पदार्थतः। तो जहां हमने अपनी स्थिति, लहरों से निकल गए समुन्द्र में आ गए, समुन्द्र से निकल गए पानी में आ गए, पानी में पहुंचने के पश्चात हमारी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि में क्या परिवर्तन होगा? पानी समुन्द्र में डूबने के लिए डरेगा नहीं, और जब लहर टूटती है तो टूटने का दुख पानी को नहीं होगा, क्योंकि होना या नष्ट होना सब कुछ उसी में हो रहा है। यही हमारा नित्य का अनुभव है। करना कुछ नहीं आपको, ये करने का जो रोग है ना, उसको रोग से अपने आप को बचाना है। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, बहुत कर लिया और दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है। हाँ जी, आगे क्या होगा? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति दरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुत। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्सि। जब तुम्हारे बुद्धि से ये इतना सुन के रखा है, इतना सुना है कि स्पिरिचुअल इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और उसके कारण फंस जाते हैं। देखो तो जब तुम्हारे बुद्धि में से, भगवान अर्जुन को कहते हैं, एक कलील कीचड़ निकलने जाने दो, फिर देखो तो क्या कीचड़ है। कीचड़ यही है कि ये जगत सत्य है, धर्म से रहो, फिर ये देह सत्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिंदगी और योगा योगा करके एक ही चिंतन चलता है, स्वस्थ रहो, दूसरा कोई विचार आता ही नहीं दिमाग। नहीं तो बस भगवान की उपासना करेंगे और भगवान के वैकुंठ में जाएंगे, और वहां रह के करोगे क्या? भगवान का नाम लोगे ना, यहीं से शुरू करो। देखो संतो, अपने स्वरूप में हमको वापस लौट के आना है, और ये तब होगा जब सिद्धांत समझ में आएगा। हमको मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं कर सकता कोई, और जो चाहने वाला है ये मैं है। देखो एक बार वृंदावन की बात है, हम बैठे थे चाय पानी पी रहे थे, एक सज्जन आए, वृंदावन में काफी ज्ञानी लोग हैं, आए और हम बढ़िया चाय पी रहे थे, गप लगा रहे थे, आके कहते हैं, महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैं चुप रहा, पूछूं फिर भी मैं चुप रहा। अब चाय की चुस्की छोड़ के प्रश्न कौन सुनेगा? और फिर उन्होंने शुरू कर दिया,
एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा बोले 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 जा रहे, और बाद में कहते हैं हाँ अब बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। तो मैंने बाकी जो ज्ञानी बैठे हुए थे कमंडलू उनको पूछा, आपको प्रश्न समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है? मुझे तो समझ में नहीं आया, प्रश्न था ही नहीं। देखो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो उल्टे मार्ग से बाहर आया था, उसी को कहते उल्टी, सीधी नहीं। ध्यान से सुनना, आप खाना खाओ, खाना पच गया तो उल्टे मार्ग से बाहर नहीं आएगा, और यदि खाना नहीं पचा तो उल्टे मार्ग से बाहर आएगा। ये जैसे खाने की बात है वैसे ही तत्व चिंतन की बात है। जितना आपका तत्व चिंतन सूक्ष्मता की स्थिति पर पहुंचेगा उतने आप हल्के फुल्के रहोगे। देखो वी हैव टू गेट बैक अवर इनोसेंस, अपनी जो सहज स्थिति है, नहीं तो बड़े होके बैठते हैं महात्मा होकर के। ये दुनिया में महात्मा आपको 12 to 8 dozen मिल जाएंगे। आदमी बनना है, विशेषता नहीं, सब विशेषता का त्याग करना है। यह जो निर्विशेष सत्ता है उसमें सभी द्वंद्वों के और द्वैत के परे हम चले जाते हैं। इस स्थिति की बात वशिष्ठ जी भगवान राम को कहते हैं, यहां तो तस्याम अवस्थायाम स्थितिम प्राप्य अविनाशिनीम, केवल एक बार हमको वहां पहुंचना है, उसके बाद अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। अभ्यास उसी का होता है जो परिच्छिन्न है, जो अपूर्ण है। आप भगवान का नाम ले लो, महात्मा लोग लेते हैं ना थैला लेकर के उसमें रखते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी साधना है। ये जो माला का महत्व मैंने इस प्रकार से लिया है, एक बार हम जा रहे थे ट्रेन से और सामने कोई सज्जन आके बैठे और कहते हैं कि अच्छा महाराज आप आ गए, अच्छा है अब समय अच्छा कट जाएगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। हमने कहा अरे बाप रे अब भी मेरा सर खाएगा। तो जैसे टेररिस्ट लोग बंदूक निकालते हैं, तो मैंने माला निकाली। हमने कहा मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा करी है, जब तुम यात्रा करोगे तो खाना भी नहीं और बोलना भी नहीं, उस समय भगवान के नाम का जप करना। तो मैं गुरु की आज्ञा के अनुसार बोलूंगा नहीं, माफ करना। अब जब आप नहीं बोलो तो मैं बोलूं तो चलूंगा, और शुरू हो गए। और क्या शुरू हो गया? मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसमें, ये बोले जा रहे बोले जा रहे। ध्यान से सुनना, मनुष्य अपने बारे में बोलने लगता है जब सुनने वाला मिले तो, और सुनने वाला नहीं मिले तो फिर भविष्य की चिंता में कल्पना में डूब जाता है। इस प्रकार से हमारा मन जिंदा रहता है। हमको अपने मन को मारना है, पुरानी आदतें। तो इस मन को अपूर्ण के साथ जोड़ोगे तो अभ्यास करना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यह अपूर्ण है। अपूर्ण क्या है? शांति। शांति को रिपीट करके दिखाओ। शब्द को रिपीट करने के लिए प्रयत्न है और वहां मैं पैदा होता है। अब क्या पाना है मुझे बताओ, ये दिमाग से निकाल डाले। भगवान को पाना है, क्या करोगे पा करके? बनारस में रह करके ऐसे कहते हो पान खाओ मौज में रहो। देखो बनारस को
सर्वश्रेष्ठ नगरी विश्व में इसीलिए कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ भड़क्का है और गाड़ियाँ कैसी उल्टी सीधी चलती है, एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन कहीं भी रोड रेज नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं करता, गाली नहीं खिलाता, क्योंकि सबके मुंह में तांबूलम समर्पयामी, कुछ नहीं प्राप्त करना है इस दुनिया में। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती तो जहां गए सत्संग में गंभीरानंद होकर के बैठ लेते हैं। एक बार हम बच्चों में बात कर रहे थे एक स्कूल या कॉलेज में, होने के पश्चात हमने कहा देखो हम लोग केवल बच्चों को एड्रेस कर रहे थे तो बूढ़े जो बैठे हैं प्रश्न ना पूछे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। फिर भी एक बूढ़ा खड़े हो गए, स्वामी जी मुझे पूछना है। हमने कहा माफ करना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बूढ़े लोगों को जल्दी गुस्सा आता है तो वो फूं फूं करके बाहर निकल गए। हु केयर्स। बाद में हम टीचर के उनके प्रिंसिपल के रूम में गए, उनको कहा कि भाई उनको बुलाओ। वो बड़े गुस्से में गए, हमने उनको माफी मांगी, भैया माफ करना हमने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बोले आपको क्या मालूम मेरा प्रश्न क्या था, सबके सामने मेरा अपमान किया। हमने कहा मुझे मालूम था आपका प्रश्न, आपको कैसे मालूम था, मैंने पूछा भी नहीं था। हमने कहा मुझे मालूम था, क्या था बताओ। हमने कहा आपका प्रश्न था मरने के बाद क्या होता है। आपको कैसे पता चला, ये मेरा प्रश्न था आपके चेहरे से, आप जिंदा कहां हो। हमने कहा अब हम आपका उत्तर देते हैं, अब बताओ आप हिंदू हो कि मुसलमान। अरे मैं तो हिंदू हूं ना, हम आपको जलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको लगा मैं जिंदा जलाने वाला हूं उसको। देखो नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आप जब मरोगे तो स्कूल को एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन संडे को मत मरना, एक दिन खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मरने के बाद आत्मा सोल क्या होता है, जीव का क्या होता है। हमने कहा जब आप जिंदा हो कुछ हुआ है क्या, जब जिंदा है तब कुछ नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होने वाला है। अरे जीने की सोचो ना, मरने की क्यों सोच रहे हो। देखो ये इसलिए होता है कि मोह कलिलम, दिमाग में इतना कीचड़ भर गया है कि मरने के बाद हम यहां से निकले, कोई आज तक मरा नहीं। देखो ये केवल विचारों की कमी है, दूसरा कुछ नहीं है। जब हमको ये कर्म के सिद्धांत में बताते हैं पिछले जन्म के पाप पुण्य के कारण हमको इस जन्म में पत्नी ऐसी मिली है, और इस जन्म के पाप पुण्य के कारण अगले जन्म में वही पत्नी मिलेगी, तो माने आप तो वही हो ना। जन्म मृत्यु देह का हुआ था, आपका कहां हुआ है। तो यदि आपका जन्म भी नहीं हुआ मृत्यु भी नहीं हुआ तो डर किस बात का है। देखो आपका बचपन मर गया, आप नहीं मरे। आपकी जवानी मर गई, आप नहीं मरे। आपका बुढ़ापा मरेगा, आप नहीं मरोगे। मरने भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं है। ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। देखो संतो, तब जाकर के जीवन में अध्यात्म उतर रहा है, नहीं तो उड़ गया। तो इसीलिए इसमें प्राप्य अविनाशिनी, इसमें अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे गाड़ी चलाते चलाते जब आदमी परफेक्ट हो जाता है तो अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी कहो फट से उठ के बैठना शुरू हो गए। ये कई ड्राइवर लोग होते हैं ना, पार कर दी गाड़ी, बॉस चला गया, वही जाके सो जाते गाड़ी में, बिल्कुल मस्त सो रहे। उसको कहा चल, अच्छा ठीक है, फट से शुरू, वो तैयारी करता है क्या, उसके रग रग में हो गया वो। इसी प्रकार से देखो जीवन इतना सहज, और उसमें किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। यह जो अपना इनोसेंस है, निरागसता जिसको कहते हैं, ये निरागसता हमको अपने स्वरूप को प्रकट करने देती है। लेकिन हम कुछ ना कुछ बन के बैठे हैं, जो है वो नहीं रहते, बनते हैं। देखो आदमी है पति बना, आदमी है
बाबा जी बना, फिर गुरु बना, फिर मंडलेश्वर बना, ये सब बनावटी चक्कर चल रहा है। जितने ज्यादा बनावटी होगे उतने ज्यादा परेशान होगे, फिर आपको करना पड़ता है। नहीं, सबके सामने कैसा हंसेंगे, महात्मा लोग सबके सामने नहीं हंसते, रोते हैं। देखो संतो, इसीलिए आनंद एक शांतशीलत्वात् अनानंदात् पदार्थतः अनानंद महानंद कलातीतः। अब वो आनंद और दुख इनके परे चले जाते हैं। माने क्या, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा। दुख आया तो दुखी नहीं होते और सुख आया तो सुख में आसक्त नहीं होते, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठे। तो मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीत पदम तथा, इसको कहते हैं तुर्यातीत। तो क्या चार बातें हो गई, जागरण स्वप्न सुषुप्ति तीन, इनका आधार परमात्म तत्व ब्रह्म अपना स्वरूप, चौथा तुर्य, और तुर्य की दृष्टि से तीन को देखो तो तीन की कोई सत्ता ही नहीं है। जब हमारा ध्यान जागरण स्वप्न सुषुप्ति के संदर्भ में होगा तब हमको तुरिया तत्व कहना पड़ेगा, और जो तुरिया तत्व में निष्ठावान होकर के स्थित हो गए हैं उनको ये तुरिया कहने की जरूरत नहीं है, तुरिया का बाप है। देखो तो इस स्थिति की बात कहते हैं भगवान, दृश्य दर्शन निर्मुक्ता यानुभूति अनामया ताम अवष्टव्य तिष्ठत्वम सौषुप्तिम ताम भज स्थितिम। दृश्य दर्शन निर्मुक्ता या अनुभूति, भगवान राम को बताते हैं दृश्य जो दिख रहा है और दर्शन देखने की क्रिया, इन दोनों से मुक्त हो गए। ध्यान से सुनना, कई बार जब हम कुछ बता रहे हैं और एकाध बार बीच में एकाध कोई तो भी जोक आ जाता है, और उस समय किसी किसी का दिमाग घूम जाता है इधर उधर में, तो वो जोक सुनने के कारण सब लोग तो हंस देते हैं और इस ज्ञानी को पता नहीं लफ्ज सब लोग क्यों हंस रहे। फिर बगल वाले को पूछता क्या हो गया क्या हो गया, फिर वो बगल वाला उसको जोक बताता है और फिर ये हंसता है, है। तो जैसे दृश्य दर्शन निर्मुक्ता, मैं बोल रहा था लेकिन वो सुन नहीं रहा था, तो फिर वो कहां था, वो अपने ही चक्कर में घूम रहा था। इसी प्रकार से यह जो स्थिति है दृश्य दर्शन निर्मुक्ता यानुभूति अनामया, अब इसमें कोई भी रोग नहीं है। ध्यान से सुनना, रोग किसको कहते हैं, अपने स्वास्थ्य से पदच्युत होना उसको रोग कहते हैं। ध्यान से सुनना, यदि हमारा एवरेज वजन समझो 60 किलो होना चाहिए और वो हो गया 600 किलो तो वो रोग है, 60 किलो होना चाहिए हो गया 20 किलो तो वो रोग है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, परमात्मा एकमेवाद्वितीय, उस एकमेवाद्वितीय में द्वैत की दुर्गंध आई कि वही रोग है, और जब तक के ये द्वैत के दुर्गंध का रोग रहेगा तब तक के परेशान होना अवश्यंभावी है, उनको कोई नहीं रोक सकता, दुखी ही रहेंगे। देखो इसीलिए ताम अवष्टव्य तिष्ठत्वम सौषुप्तिम ताम भज स्थितिम, तो इस स्थिति में आप डटके रहो। और इसमें डटके रहने का तात्पर्य एक ही है, वेरी सिंपल, कोई कठिन नहीं है, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। देखो एक बार हम एक कटोरी लेकर के भीख मांगने के लिए गए, पहले चले गए चर्च के बाहर खड़े रहे, वहां सर्विस पूरी हो गई और खड़े रहे थे, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, बड़ा दुख हुआ। फिर एक मस्जिद के बाहर खड़े हो गए,
वहां के सब लोग नमस्कार करके आगे नमाज करके देखा एक ने एक पैसा नहीं दिया। फिर सोचा चलो मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर खड़े रहे, दिन भर लोग आते जाते रहे, दिन भर एक पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। शाम को एक दारू के गुत्ते पर गया और वहां खड़ा रहा, 10 मिनट में कटोरी भर गई। तो मैंने भगवान को चिल्ला के पूछा, व्हाई डू यू गिव योर रॉन्ग एड्रेस? देखो महाराज, अध्यात्म में लोग जितने दुखी होते हैं ना, उतने साधारण संसारी लोग दुखी नहीं होते। ये अध्यात्म वाले क्या है कि इनको कुछ और चाहिए। अरे क्या चाहिए? अपने में से हीन भाव और दीन भाव दो निकल जाए। जैसे किसी बालक का पहली बार जब दांत गिर जाता है तो जो जिह्वा है, दांत जहां नहीं है वहां पहुंचती है, जहां है वहां थोड़ी जाती है वो। इसी प्रकार से हम ढूंढ ढूंढ के निकालते, मुझे क्या नहीं मिला, मुझे शीर्षासन करना नहीं आता, क्या करूं? अरे सिर हो तब करोगे ना शीर्षासन करना है। देखा देखी नहीं होती साधना, चक्कर यही पड़ता है। कहीं गए कुंडलिनी हो रही है, चलो हम भी कुंडलिनी शुरू करते हैं, और कुछ उल्टा सीधा कर लिए और फंस गए। योगा करते, अच्छा हम भी योगा करेंगे। ध्यान से सुनना, हम सभी भगवान ने जैसे पैदा किए हैं ना, वैसे परफेक्ट है। जैसे ये हमारा सैमसंग फोन फैक्ट्री से निकला परफेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, फ्री डाउनलोड, इतनी एप्स डाउन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं कि इनकी आवश्यकता है क्या? नहीं, फ्री है ना। अरे फ्री है तो क्या जहर खाओगे? और फिर ये डिवाइस उन सभी एप्स को हैंडल नहीं कर सकता, इसकी क्षमता नहीं है, फिर क्या होगा, हैंग हो गया। हाँ पता नहीं क्या हो गया फोन को, फोन को कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ हुआ, खामोखाम डाउनलोड कर रहे हो। इसी प्रकार से गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उसी में लगे हुए। देखो संतो, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं, और सावधानी एक ही चीज की रखनी है कि किसी, दो ही चीजें भगवान ने बताई सुबह के क्लास में, शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मना। जीवन में आने वाले किसी भी प्रसंग से मन के संतुलन को खोने नहीं देना, और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हमारा रिश्ता हो नाता हो, मानापमानयो हो प्रशांतस्य, ये दो चीजों का अभ्यास करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। बाकी आप हवा भरो या निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसीलिए कहते हैं दृश्य दर्शन दृष्टि निर्मुक्ता यह अनुभूति अनामया ताम अवष्टभ्य तिष्ठत्व सुषुप्ति ताम भजस्थिति। इस प्रकार से जैसे सुषुप्ति में हम इस जगत में रहते हैं लेकिन इस जगत के नहीं रहते, न मोक्षो न वसा पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वांशा संक्षये चेता क्षयो मोक्ष इतिष्यते। अब जिनको ये मोक्ष चाहिए ना, वो सुने स्वर्ग की बात, स्वर्ग में जाना है। हमने सुना था कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, इसीलिए शादी कर ली और हो गए स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। इस स्वर्ग मोक्ष ये किसी स्थान का नाम नहीं है। स्वर्ग की परिभाषा भगवत अपने कठोपनिषद में नचिकेत बताते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। जहां ये छह प्रकार के भय नहीं है, ऐसे निर्भय अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। देखो छह भय है, देह को लेकर के बुढ़ापा मृत्यु का भय, प्राण को लेकर के भूख प्यास का भय, मन को लेकर के शोक मोह का भय,
इन भयों से जो मुक्त है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग माने स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसको कहाँ जाना कहाँ आना है। इसीलिए यहां कहते न मोक्षो नभसहा पृष्ठे, ऐसे नहीं कि कोई ऊपर जाना है, हे भगवान मुझे उठा लो, कहाँ उठा लेंगे आपको, भारी हो। न मोक्षो नभसहा पृष्ठे न पाताले, ना कहीं हमको दबना है जमीन के अंदर में, न पाताले न भूतले, ना तो ये जगत में अपने ही घर का नाम रख दो स्वर्ग और प्रवेश करो ऐसी बात है, ना भूतले। फिर क्या कहते हैं, सर्वांशा समक्षय चेतहा, जिस क्षण आपके अंतकरण से सभी की सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, इच्छा रहित अनुभूति को मोक्ष कहते हैं। कोई इच्छा नहीं, मोक्ष शब्द का अर्थ हमने आपको कल बताया था, मो माने मोह, क्ष माने क्षय, इस मोह का क्षय करना है। अर्जुन को क्या हुआ, पूरी गीता पढ़ सुन करके अर्जुन ने ना कर्मयोग किया, ना अष्टांग योग किया, ना साष्टांग योग किया, ना भक्ति योग किया, कुछ नहीं किया, युद्ध के मैदान में खड़ा था वो। और ये बाबा जी रुकी बताते, ये ज्ञान मार्ग है, विशिष्ट अद्वैत है और भक्ति मार्ग है, अरे कुछ नहीं है, केवल बेवकूफी को त्यागो, भगवत गीता सुन ली। देखो अर्जुन की समस्या क्या थी, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान ने क्या कहा, कश्चित ही तो श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रता से सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हो या नहीं। तो भगवान को क्या कहता है अर्जुन, नष्ट मोह हस्मति लब्धात् प्रसादात् मयाच्युत, तो मोह का नष्ट होना, मोह का क्षय होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। देखो पहले हमने अपने आप को देह मान लिया है, उसके पश्चात ये देह मैं हूं इसका अभ्यास हो रहा है, अब ये अभ्यास से मुक्त होना ही नहीं चाहते, और फिर चाहते हैं मैं देह के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। ओ, यही भगवान की लीला है संतो। तो कहते हैं सर्वांशा संक्षय चेतहा क्षयः मोक्ष इतिष्यते, जब हमारे अंतकरण में एक भी इच्छा का उदय नहीं होता, हम मुक्त है, यही मोक्ष है। इस पर कल्पना मत करो, यह आपका स्वयं का अनुभव है, उसको पहचानो। केवल सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में हमको एक भी इच्छा नहीं होती, इसके दो कारण हैं। एक कारण है अन्य की प्रतीति नहीं होती, और दूसरा कारण है हम स्वयं को अपूर्ण स्वीकार नहीं करते। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में मैं कौन हूं, स्त्री हूं पुरुष हूं, वाराणसी में हूं या इलाहाबाद में हूं, 2018 में हूं या 1947 में हूं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब गायब। ये गायब हो गए तो किसको इच्छा होगी और किसकी इच्छा होगी, अन्य होगा तभी इच्छा होती है, स्व की कभी इच्छा नहीं होती। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे मन स्वयं की इच्छा नहीं कर सकता। देखो संतो, इसको कहते हैं न मोक्षो न वसहा पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वांशा संक्षये चेतहा क्षयो मोक्ष इतिष्यते। तो हमको अपने मन को चैतन्य करना है। देखो भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है सदाचार, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसका अध्ययन करो, बड़ा आनंद आएगा। उसमें भगवान लिखते हैं चित्तम चिच्च विजानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासहा जपा रागौ यतामणौ। चित्त जो है वो चित्त ही है। चित्त को कैसा लिखते हैं, ची ह्रस्व मात्रा आधा त और फिर पूरा त, चित्त। तो उसमें की जो पूरा त है वो क्या है, तकारो विषयाध्यासहा, वह अनात्म भाव की कल्पना है।
सत्य नहीं है। देखो कैसे सत्य नहीं, चिंतन करना है। हम देह के दृष्टि से एक दूसरे से अलग है, हमारा जागृत अनुभव एक दूसरे से अलग है, हमारे स्वप्न के अनुभव एक दूसरे से अलग है। लेकिन कभी ये सोचा है, लेकिन हमारी सबकी सुषुप्ति अवस्था सामान्य है। सुषुप्ति अवस्था अलग अलग नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति नहीं है और अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करने की प्रतीति नहीं है। जैसे सभी लहरें एक ही समुद्र से निकलती है, इसी प्रकार से सबकी सुषुप्ति एक है, अलग नहीं है, उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। अलग 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 नहीं है। ये बात हमको क्लिक हुई बहुत दिनों के पहले। कलकत्ते में हम रात को वो दुर्गा जी के दर्शन किए और जब जा रहे थे मेट्रो से, तो वहाँ काफ़ी स्त्री पुरुष बच्चे बकरी कुत्ता सब सो रहे थे। तो हमारे साथ दो चार लड़के थे, हमने कहा यार इसको देख करके एक ही कमेंट करो, प्रवचन मत देना। तो एक ने कहा बेचारे थक गए होंगे, मेरे गुड, तुम बोलो। हमारे देश में लोगों की बड़ी बुरी हालत है ना भैया, प्रवचन मत करना, तुम बोलो। सबने कुछ कुछ बता दिया। बोले स्वामी जी आप बोलो। हमने हम तो ये सब नहीं देख रहे, हम कुछ और देख रहे हैं। क्या देख रहे? इस समय कुत्ता कुत्ता नहीं है, आदमी आदमी नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, बकरी बकरी नहीं है, सब भेद गायब हो जाते हैं। तो यदि सभी लहरें एक ही समुद्र से निकलती है तो अलग अलग हो सकती है, तो वो अलग दिखती है, होती नहीं, सबका मूल एक ही है। देखो संतो, ये केवल समझदारी की बात है। हम जो सांस ले रहे हैं और आप जो सांस ले रहे हैं, तो क्या आपकी हमारी अलग अलग हवा है? हमारी आध्यात्मिक हवा में से हम सांस ले रहे हैं और आप दुनियादारी की हवा से सांस ले रहे हो, वही है, वही अग्नि तत्व सब में सामान्य है, वही जल तत्व सब में सामान्य है। देखो वही मनस तत्व सब में सामान्य है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषण, सभी आभूषणों में सुवर्ण सामान्य तत्व है। आभूषण अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हमने नाम रूप और उपयोगिता इसको महत्व दिया है। इसी प्रकार से हमारा सबका मन एक है, उस मन के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे आभूषण क्या है? सुवर्ण और नाम रूप। इसी प्रकार से जीवन और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का त्याग कर दो तो हम सब एक है, कहां अलगपना है। और जहां ये एकत्व की दृष्टि बढ़ेगी, उसी समय ये कामना का बोझा अपने आप उतर जाएगा। देखो ये बात यहां समझनी है, इसीलिए न मोक्षो नमसा पृष्ठे न भूतले। तो मोक्ष मोक्ष माने ये नहीं, अपने दृष्टि को ठीक करना है। और उस दृष्टि से देखो तो आप देखेंगे इस जगत में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ये चला चली का खेला, ये चेला चेली का खेला। देखो इसलिए मोक्षो में अस्तु इति चिंतांतः जाता चेत उत्थितम मनः, बहुत सुंदर विचार है। मेरा मोक्ष होना चाहिए, इस विचार से मन का जन्म होता है। और परेशान करने वाला ये मन है,
आप कुछ भी चाहो संसार निर्माण होगा। मन माने चैतन्य में जब इच्छा प्रकट होती है तो उसको मन कहते हैं। मन से इच्छाएं समाप्त हो गई, वही चैतन्य है। देखो आदमी में इच्छा प्रकट हो गई, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, तो फिर क्या हो गया, अच्छे खासे आदमी से एक पतित पावन सीताराम बन गया। और फिर शादी होने के बाद फिर दूसरी वृत्ति उठती है, व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ, फिर उसको छोड़ दिया। पकड़ना ये भी वृत्ति का कार्य है, छोड़ना ये भी वृत्ति का कार्य है। तो मन किसको कहते हैं? चैतन्य में जब अनात्म भाव जागृत हो जाता है तब उसी चैतन्य को मन कहते हैं। पुरुष में जब कमी महसूस होती है तब वो शादी का विचार करता है, तो पति कौन हो गया? पुरुष जमा शादी का विचार को पति कहते हैं। यदि चैतन्य में इच्छा निर्माण नहीं है तो मन पैदा ही नहीं होता। देखो जीव और जीवन, जीवन सामान्य है, जीव व्यक्ति है, जीवन यह अभिव्यक्ति है, जीव यह व्यक्ति इंडिविजुअलिटी है। देखो इसीलिए मोक्षो में अस्तु इति चिंता अंतः जाता चेत उत्थितम मनः। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, विचार आते तो आने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही चक्कर है, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब जब मेरी आंखें खुली होती है मुझे सब दिखता है, तो भले तो अच्छी बात है, ये रोग नहीं, नहीं ये रोग नहीं है, अच्छा धन्यवाद। फिर ENT के पास गए, ENT वालों को कहा डॉक्टर साहब कान जब खुले रहते तो सब सुनने को आता है ठीक से, अच्छी बात है, क्यों ये रोग नहीं, नहीं ये रोग नहीं है। फिर मन में विचार आते हैं, यदि आंखों से देखना रोग नहीं है, कान से सुनना रोग नहीं है, तो मन में विचार आना रोग क्यों है? तो विचार मन में नहीं आएंगे कि नाक में आएंगे, खर करके निकाल डालो। क्यों डर रहे हैं मन से, क्यों डर रहे हैं विचारों से? और आप जितना डरोगे ना उतना आपके पीछे ही विचार लगेंगे। हु केयर्स, आने तो जाने दो, हु केयर्स। इसीलिए हम जो आपको सिंपल बात बताते हैं उसको जोक करके छोड़ मत देना, ट्राई करना। जैसे आप सत्संग सुनते हो वैसे दुनिया की बातें सुनो। कितने महात्माओं को सुनकर रख दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से दुनिया की हर बातें सुनो, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बहुत उच्च कोटि के साधक बन गए। इसीलिए मोक्षो में अस्तु इति चिंता अंतः जाता चेत उचित उत्थितम मनः, उसी क्षण फिर मन का जन्म हो जाता है, मुझे मोक्ष चाहिए। अरे तुम बंधन में होगे तभी मोक्ष होगा ना, बंधन कहां है मुझे बताओ? आंखों से दिखता है ये बंधन है, कान से सुनने को आता है ये बंधन है, कहां बंधन है? हम ही कल्पना कर लेते हैं और फिर हम ही चिंता पड़ते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। पहले बंधन तो दिखाओ कहां है, किसने आपको बांध के रखा है? एक बार एक महात्मा जी कीर्तन कर रहे थे, तुकाराम महाराज की कथा है, और एक सज्जन आ गए, महाराज मुझे संसार ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, मुझे संसार से मोक्ष चाहिए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बोले पहले कीर्तन पूरा करते बाद में बात करेंगे। कीर्तन पूरा हो गया, बाहर गए ये महात्मा जी और उन्होंने एक पेड़ को पकड़ के रखा और चिल्लाने लग गए, अरे भैया मुझे बचाओ, ये पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे बचाओ।
तो वो आदमी कहता है, महाराज जी आप उस समय प्रवचन कर रहे तो ठीक लग रहे थे, आप क्या हो गया, आप पेड़ कभी किसी को पकड़ता है क्या, आपने पकड़ के रखा है पेड़ को। बोले महाराज यही बात है, आपको किसने पकड़ के रखा है, बताओ। हाँ रखा है किसने, बेवकूफी ने। बेवकूफ दुखी होते हैं, अज्ञानी दुखी नहीं होते। इसीलिए मुझे ये अज्ञान शब्द अच्छा नहीं लगता। किसी को कहो ना कि आप अज्ञान के कारण दुखी है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसको कहो बेवकूफी के कारण दुखी होता है, तुरंत समझ में आता है, अरे अपनी बात हो रही है। देखो संतो, इसीलिए मनन उत्थेते मनस्तुच्च ही बंध संसारिको दृढ़ा। और जहां आपने मन को पैदा होने दिया, मन कैसे पैदा होता है, एक ही प्रकार से कोई भी इच्छा मन में प्रकट हो, मन पैदा हो गया। मन की खुराक जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स अपनी होती है, वैसी मन की खुराक है भूत की स्मृति, भविष्य की चिंता और वर्तमान की तुलना। ये तीन चीजों से अपने आप को बचाओ, उसी क्षण मन गायब हो जाता है। देखो तो फिर जगत में कैसे रहे, टाइम पास करने के लिए हर चीज में पूरा इंटरेस्ट ले लो। ईशावास्य कहते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषतगम समा, माने आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें 100% लग जाओ। देखो जो भी कर रहे हो 100%, सुन रहे हो तो पूरे एकाग्रता से सुनो, सो रहे हो एकाग्रता से सो जाओ। देखो यह 100% उपलब्धि, इसको कहते भगवान का दर्शन। हमारी स्थिति कैसी है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए तो कैसे टूटे हुए दिल से समझ में आएगा। एक लड़का था पुणे में, आजकल वो बड़ा हो गया है, छोटा था 7-8 साल का, एकदम थियोरेटिकली बोलता था, बड़ा विचित्र उसका विचार था। आएगा और मैं बैठा हूं ऐसा, खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़ करके, परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मेरे पिताजी, मेरे माता जी, मेरे चचा जी, इन सब का स्वास्थ्य, इन सब का सुख शांति हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। और फिर ऐसा स्पर्श कर खड़ा हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नमस्कार करता है, लेकिन वो ऐसा करता था। देखो और जब हमारा सत्संग चल रहा था, इतना वो गंभीर होकर के बोलता था, फिर पूछता है परम पूज्य स्वामी जी मुझे एक जोक कहना है, मैं कहूं क्या, ऐसा गंभीरानंद जोक करेगा। हमने कहा आपको जोक कहने की पूर्ण अनुमति है, फिर वो खड़ा हो गया। फिर परम पूज्य स्वामी जी यहाँ उपस्थित सभी माताएं मौसिया भाई बहन सबको प्रणाम, मैं एक जोक सुनाता हूँ, और शुरू कर दिया। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक बोरीवली में गिरा, एक कांदीवली में गिरा, एक मालाड में गिरा, एक गोरेगांव में गिरा। जब वो ऐसा बोल रहा था बेचारा, तो उसकी माँ जो थी वो गुस्सा कर गई, ये क्या बकवास कर रहे, बोले अभी हजार कहाँ हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए ना, अभी हजार होने दो ना, कहाँ गिरे, कहीं यहां गिरा कहीं वहां गिरा। ऐसे जिसके दिल के टुकड़े हजार हो गए हैं, वो कैसे सुख शांति से रह सकता है। तो खाते समय खाओ, बोलते समय बोलो, सुनते समय सुनो, सोते समय सो जाओ, चलते समय चलो, देखो जीवन सहज है।
लेकिन हम चल रहे हैं और सेल्फी निकाल करके एक माँ ने अपने लड़के को फोन किया, बेटा देखो जल्दी आ जाओ घर में, बहू कैसे कैसे मुंह कर रही है, नीचे गिर रही है, क्या क्या कर रही है, मुझे डर लग रहा है, उसको कुछ हो तो नहीं गया? बोले मम्मी फिक्र मत कर रहा, वो सेल्फी ले रही है। ये जितनी भी सेल्फी लेने वाली होती है ना बेवकूफ, ये हमेशा उल्टा सीधा मुंह करती रहेगी, ले लेगी भेज जाएगी। देखो इसीलिए मोक्ष कहिए मननव थे मनस्युच्च ही बंद संसार को दृढ़ा। जब ये मन पैदा हो गया वहीं से यह बंधन शुरू हो गया। अमृत बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो हो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही जब विषयों में भटकने लग जाता है तो यह मन बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब विषयों से मुक्त हो जाता है तब तो ये बंधन का नहीं, यही मोक्ष का कारण बनता है। ये एक बात समझ लेना, केवल इच्छा को पूरा करने की बात जहां होती है वो संसार है, जहां इच्छा के परे जाने की बात होती है वो सत्संग है। आप कितने भी स्तोत्र पढ़ लो, सभी स्तोत्रों के पीछे जाकर के यही लिखा होता है, यदि ये स्तोत्र का पाठ करोगे तो जो भूखा है उसको अन्न मिलेगा, जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी होगी, जिसकी हो गई होगी उसका डाइवोर्स होगा, पूरे जो फलश्रुति है माने इसके लिए कर रहे क्या सब कुछ? देखो ये उपासना जो है ये केवल इच्छा को पूरा करके संसार में बांधने के लिए होती है। देखो जो काम हम जगत के उपलब्धियों से पूरा नहीं कर सकते उसके लिए फिर हम उपासना करेंगे, फिर भगवान की शक्ति को आह्वान करेंगे और उसके बाद वो सिद्धियां हमें प्रकट हो जाएगी और फिर हम करेंगे दूसरा सबका भला। इसके बारे में आपको एक बताते हैं बात, बड़ी मुख्य बात है। जहां इच्छा पूर्ति की बात है वहां संसार है, ये स्पष्ट समझ लो। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए उड़िया बाबा, आप सब जानते हैं, उनके बचपन में उनका नाम था आर्त त्राण और अच्छे घर के थे, बड़े पवित्र कुटुंब के घर में बड़े अच्छे संस्कार। जब वो 10-12 साल के थे उन दिनों में उड़ीसा में बहुत भूखमारी चल रही थी, लोग मरते थे खाना नहीं होने के कारण, तो इन्होंने तपस्या शुरू कर दी अन्नपूर्णा देवी की कि मुझे ऐसी सिद्धि दो कि मैं सबको खाना खिला सकूं, लोग भूखे ना मरे। अब उनकी उपासना पूरी हो गई, उनको वो सिद्धि मिल गई। वो सिद्धि के साथ अन्नपूर्णा माता ने, जैसे खाना खत्म होने के बाद मारवाड़ियों में पापड़ देते हैं, माने अब कुछ मांगो मत, वो गेट पास है अब निकलो, उसी प्रकार से अन्नपूर्णा माता ने ये सिद्धि के साथ एक विचार भी दे दिया। क्या विचार दे दिया? जो अन्नपूर्णा माता मुझे सिद्धि दे करके सबको खाना खिलाने की शक्ति प्रदान कर सकती है, क्या उसमें वो शक्ति नहीं है कि जो सबको खाना दे सके? दूसरे का भला करना इससे बड़ा रोग और कुछ नहीं है। ये बातें हमने महात्माओं से सीखी है, पुस्तकों में नहीं मिलती। पुस्तक में यही कहेंगे डोनेशन दे दो, एटीजी ले लो, पार्ले जी की जैसे। देखो संतो ये बहुत महत्व की बात है, हमको इससे अपने आप को बचाना है, या तो इसी में पूरा जीवन चला जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जगत को महत्व दिया है। देखो जो अमीर लोग होते हैं उनको धर्मवीर कहते हैं, धर्म धुरंधर कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, उनको राजा कहते हैं, और हमारे जैसे फकीरों को कहते हैं महाराजा। कारण क्या है?
जो दान धर्म करते हैं उनके मन में अभी धन दौलत के प्रति और जगत के प्रति सत्य बुद्धि बनी हुई है। और त्याग में ये जगत के प्रति और धन दौलत के प्रति अभी सत्य बुद्धि नष्ट हो गई है। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, तब जाकर के चिंतन ठीक होता है। इसीलिए कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषय असक्तम। जब तक हमारे जीवन में विषयों का महात्म्य है तभी तक हम इस चक्कर में पड़े रहेंगे, ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना, अरे यार कुछ नहीं करना, टाइम पास करना है, जब तक मरते नहीं तब तक करते रहो कुछ ना कुछ, कुछ प्राप्त नहीं करना। देखो दो सिंपल बातें, भगवान राम की अयोध्या कहाँ गई, भगवान कृष्ण की द्वारका कहाँ गई, कि हमारा 2 BHK यूजलेस कहाँ रहने वाला है, कितने आके चले गए महाराज, लेकिन ये मार गले उतरती नहीं। तो बंधा ये विषया सक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतम, जब हमारा मन जगत के विषयों के चिंतन में नष्ट नहीं होता तो वो मुक्त है। इसीलिए आत्मनि अतीते सर्वस्वात्मा सर्वस्मान सर्वभूते तवा तदे को बंध कश्च वा मोक्षो निर्मूलम मननम कुरु। कहते हैं आत्मनि अतीते सर्वस्मात् सर्वभूते अथवा अतते, हमारे सिवा अन्य है ही क्या, यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो कल परसों ने आपको बताया था भगवद गीता के बारे में, बड़ी सिंपल बात है, सभी वेदों का तात्पर्य उपनिषदों में, जिसको वेदांत कहते हैं, सभी उपनिषदों का तात्पर्य भगवद गीता में, भगवद गीता का तात्पर्य भगवद गीता के 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय का तात्पर्य भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, उसको भगवान कहते हैं गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मयान ए तद बुद्ध्वा बुद्धिमान चात कृतकृत्यश्च भारत। ये गुह्यतम शास्त्र है, गुह्य शास्त्र माने धर्म शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र माने उपासना शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र माने अध्यात्म शास्त्र। तो उसमें क्या बताते हैं, कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सबकी आत्मा मैं हूं, मेरे सिवा किसी की स्थिति नहीं है। अच्छा तो आप कौन है, मत तहा स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे ही कारण जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि संभव है। इसीलिए सर्व ही वेद ही अहम एव विद्या, सभी शास्त्रों का तात्पर्य केवल इस मैं को पहचानने में है, कौन है ये मैं? यदि इस मैं को हमने ठीक से नहीं पहचाना तो फिर वही आई एम वेरी मिजरेबल, मेरी बीवी मानती नहीं, मेरे बच्चे मानते नहीं, मैं क्या करूं, रोते रहो। देखो कौन है आप, तब धीरे धीरे चिंतन शुरू हो जाता है। पहले असल में हम मुख्यात्मा है, देह तादात्म्य हो गया, मिथ्यात्मा बन गए, मिथ्यात्मा होने के बाद पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर बन गए, वो गौणात्मा है, तो ये 3 आत्मे बन गए। और देहात्म भाव ये बाय डिफॉल्ट है, ध्यान से सुनना, जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब होना स्वाभाविक है, तो हमको दर्पण को तोड़ना नहीं, प्रतिबिंब को मिटाने का प्रयत्न भी नहीं करना, केवल इतना समझना है प्रतिबिंब प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, तो प्रतिबिंब को भी कुछ नहीं हो रहा है और हमारे चेहरे को भी कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा जो इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि से प्रकट हो रहा है, तो सभी अनुभूतियों के द्वारा ना तो परमात्मा दुखी होता है ना जीवात्मा दुखी होता है। परमात्मा इसीलिए दुखी नहीं होता क्योंकि सबका आधार है, और जीवात्मा इसीलिए दुखी नहीं होता कि जीवात्मा नाम की वस्तु नहीं है। देखो
तो ये दुख कहीं नहीं है, जो दुख नहीं है उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हो। कैसे निकालोगे, हो तब ना। ये है योग वशिष्ठ की सूक्ष्मता, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। तो आत्मनि अतीति सर्वस्वात् सर्वभूते अथवा अतते को बंधा कश्च वा मोक्षः, किसको बंधन है किसको मोक्ष है। देखो इसीलिए एक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्र ब्रह्म समश्नुते। मरने के बाद स्वर्ग जाना नरक जाना, मरने के बाद प्राण देह से निकल गए, ये सब KG-1 KG-2 की बातें हैं, शास्त्र की बातें इसको एकदम काट देगी। देखो एक यदि गिलास टूट गया तो गिलास में रहने वाला जो आकाश है वो इस गिलास से निकल करके दूसरे गिलास में जाएगा। यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें का प्रकाश निकाल करके दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या। लेकिन हमको चित्र बताते हैं कि एक आदमी मर गया, फिर उसके सर के ऊपर से एक फ्लेम निकली और बड़ा सुंदर एनिमेशन करते हैं और धीरे धीरे फिर वो फ्लेम घूम रही है, क्या है वो जीव है। और फिर वो जीव देखता है कहीं खाली है क्या जगह, तो एक गर्भ में उसने एक बोर्ड पढ़ा, TO space late too late। तो ये जो आय था छोटा आय वो स्पेस में घुस गया, TOILET टॉयलेट बन गया, वो टॉयलेट यही देह है। नर और नरक एक ही बात है, जैसे बाल और बालक एक ही है, देहात्म भाव से रहना यही नरक है। देखो संतो इसीलिए केवल दो बातों का ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति और दूसरी बात जीवात्म भाव के भ्रांति का त्याग। ये जब तक के नहीं होगा तब तक के आप कुछ भी करते रहो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। तो को बंध कश्च वा मोक्षः निर्मूलम मननम कुरु, तो अपने इस मन को निर्मूल कर डालो। और मन का मूल क्या है, ये कामना, कामना को हटा दो मन गायब। देखो मन को चैतन्य में वापस लौट के लाने के लिए कितना समय कितनी साधना कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, उतना ही जितना एक पति को ये याद रखने के लिए कि वो आदमी है, माने जीरो। लेकिन जिसको पत्नी चढ़ गई है, जैसे दारू चढ़ जाती है ना, पत्नी चढ़ गई है अब क्या करेगा, वो 24 घंटे वही चिंतन चल रहा है, अरे यार इनफ, दुनिया में और भी कुछ चीजें हैं। तो कहते हैं द्वंद्व दोष भयाद मुक्ता तीर्ण संसार सागर प्राप्तानुत्तम विश्रांति लब्धा लब्ध परास्पदा। तो द्वंद्व दोष भयाद मुक्ता, तो देखो मुक्ति किसको कहते हैं, द्वंद्व दोष, द्वंद्व माने एक होता है द्वैत दूसरा होता है द्वंद्व, द्वैत माने मैं तू, दृष्टा दृश्य ये द्वैत है, द्वंद्व माने सुख दुख लाभ हानि इत्यादि। तो कहते द्वंद्व दोष भयाद मुक्तः, देखो कैसे मुक्त हो गए, जो है वो ठीक है, कोई दुराग्रह नहीं, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए ठीक है। उसी समय माने जिस दिन आपने जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का अभ्यास करे तो आपने बहुत बड़ी साधना करी है। हमारा चक्कर क्या है,
गर्मी के दिनों में कंप्लेन करेंगे, भगवान ने बहुत ही गर्म है यार, कुछ करो। भगवान, कोई बात नहीं, मैं बारिश ले आऊंगा, ठंडे हो जाओगे। तो बारिश आ गई, भगवान बारिश बहुत ही हो रही है। भगवान ठीक है, मैं बारिश बंद करता हूँ, जाड़ा ले आता हूँ। जाड़ा आया, बहुत ठंडा है। भगवान कहते इसको कुछ भी दो, ये कंप्लेन ही करता है, छोड़ो इसको। देखो, आपको वाराणसी में रहना है और गलियों से नफरत है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, और आपको गलियों में मजा आने लगा, जिस गली में तेरा घर हो साजरा। जीवन में आनंद ही आनंद है, लेकिन हम वो चाहते जो संभव नहीं है। देखो, लोगों ने टाइम से आना चाहिए, अरे क्या फर्क पड़ता है, जो टाइम से आए वो सुन रहे क्या, कि जो लेट आ रहे जो सुनेंगे नहीं। लेकिन खामो खाम परेशान हो जाते हैं। जिस दिन आप जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, आपके मन का जन्म नहीं होगा। देखो, अभी कहीं की बात है, वो जो काम करने वाला था वो कुछ गलत काम कर रहा था, तो वो हमारे फ्रेंड ने डांटा उसको, ये इतना बेवकूफ है स्वामी जी, क्या समझ में नहीं आता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, वो जाने के बाद हमने कहा, वो बेवकूफ निश्चित है इसीलिए तुम्हारे साथ काम कर रहा है, समझदार होता तुम्हारे साथ कभी काम नहीं कर। अरे यार, जो जैसा है अब वो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, अब क्या कर सकते। इसीलिए द्वंद्व दोष भयाद मुक्ता तीर्ण संसार सागर, वो संसार के परे चले गया। संसार यही है, जो जैसा है वैसा हम स्वीकार नहीं करते। देखो, एक लड़की ने, चाइनीज लड़की ने, खूब अपना प्लास्टिक सर्जरी करके मेकअप वेकअप बना करके बड़ी सुंदर बन गई, और उसके सौंदर्य को देख करके शादी हो गई उसकी। शादी होने के बाद बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा मेकअप के साथ थोड़ी पैदा होगा, तो उसके जो ओरिजिनलिटी थी उसके अनुसार बच्चा पैदा हो गया। और ये पति कहता, ये अपना हो ही नहीं सकता, तुम इतनी सुंदर हो, मैं इतना अच्छा हूं, ये कबूतर कैसे निकला। देखो, जो जैसा है ना उसको वैसा स्वीकार करो महाराज, आपको कभी दुख नहीं होगा। तो तीर्ण द्रवंद दोषाद भयाद मुक्ता तीर्ण संसार सागरा प्राप्त अनुत्तम विश्रांति, ऐसा व्यक्ति इज ऑलवेज एट होम एवरीवेयर। अनुत्तम विश्रांति, यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप में शांत है वही दुनिया के साथ शांत रह सकता है। जिसके अंदर में वल्केनो उखड़ रहे हैं, कहां चल रहे, कहां 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 चल रहा है। देखो, एक ये समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, ये हमने दिया होगा कहीं। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आपके तीन बच्चे अनकंट्रोल्ड, एक महामाया पत्नी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, पुस्तकों की दुकान पे जाके खड़ी है, आपके पास 6 बक्से थैले सब कुछ सामान है, उतने में ट्रेन आती है और आपको अपना कंपार्टमेंट देखना है, S3, एक भी कंपार्टमेंट सीरियल नंबर में नहीं होता, 11, 7, 9, 1, और ऐसे चक्कर में कोई आपको पूछे कितना बजा, कितना बजा। हमारी स्थिति वैसी है। जो व्यक्ति अपने आप से शांत है, प्रसन्न है, उसको जगत दुखी नहीं कर सकता। जो अपने में विक्षेपित है, विक्षेप एक ही है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, भगवान का दर्शन है, मारो गोली सब चीजों को, मौज में रहो ना। देखो, क्या चाहिए। भगवान ने आह पैदा करी, सब भगवान की कृति है, आह पैदा करी, और आह ने कहा, पापा पापा मैं कहाँ जाऊं, कहीं भी चले जा, तो गई। किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, कौन चाहता है आह। फिर वापस आ गए, पापा पापा नोबडी वांट्स मी, कोई नहीं चाहता मुझे। तुम बेवकूफ हो, चद्दर ओढ़ के जा,
तो आह ने च की चद्दर ओढ़ी और बन गई चाह और सब चाहने लग गए। देखो महाराज, चाह ये जीवन को लगी हुई आह है, उससे बचाओ अपने आप को। इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है, ये संसार है। संसार माने यही नहीं मात्र, इससे भी बहुत बड़ा है। ये जो चतुर्दश भुवन बताते हैं ना, भूर्भुस्वा महाजना तपा सत्यम और अतल वितल सुतल इत्यादि, ये सब का सब संसार है। स्वर्ग में जाने की बात मत करना। हमारे अर्जुन जी गए थे और वहां जाकर के वहां की अप्सराएं अर्जुन पर लट्टू हो गई, तो अर्जुन ने कहा कि देखो ये गलत बात है, इंद्र मेरे पिताजी है, इसीलिए आप इंद्र की भोग्या होने के कारण मुझे मातृतुल्य है, इसीलिए ये गलत विचार मन से निकाल डालो। लेकिन जब व्यक्ति को काम का आवेग आ जाता है तो उसको रोकना कठिन है। जब उसने ना कह दिया तो उस अप्सरा ने अर्जुन को शाप दे दिया, तुम नपुंसक बन जाओगे। देखो स्वर्ग में भी जहां काम है वहां संसार है। पितामह भीष्म पड़े शरशैया पर और उत्तरायण की कामना करके रखे थे। कारण क्या है? क्योंकि वो आए थे वसुलोक से, और वसुलोक जो है वो केवल उत्तरायण में खुलता है, तब तक बंद रहता है। तब ये जाऊं तो जाऊं कहां? इसीलिए वो शरशैया पर पड़े रहे, उनकी इच्छा थी कि मैं वापस अपने जगह जाऊं। संतो, जहां इच्छा है वहां संसार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिता अथम अर्थ अमृतो भवती अत्र ब्रह्म समष्टुते। एक भी इच्छा मन में रही तो हम संसारी है। इसलिए कहते हैं कि तीर्ण संसार सागरा प्राप्त अनुत्तम विश्रांति लब्ध अलभ्य परस्पदा। तो जो हमको जीवन में उपलब्ध होना था वो हो गया, और वो क्या है? अब कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य ये मत करना कि कहीं हम गए, हमने पूजा करी, हमारी इच्छा पूरी हो गई। ये होगी, लेकिन ये बंधन है। इच्छा को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। मेडिटेशन में बैठना ये अध्यात्म नहीं है। मेडिटेशन करना ये अध्यात्म नहीं है। प्राणायाम करना ये अध्यात्म नहीं है। यह उपाय है। उपाय माने क्या? जैसे हम कार से आए, फिर कार को बाहर छोड़ दिया, फिर जूते से आए, फिर जूते को बाहर छोड़ दिया, फिर यहां आए दिमाग को बाहर छोड़ दिया, खाली बन गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।